बुलंदशहर के औरंगाबाद कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि शराब की दुकान के सेल्समैन से दादागिरी का मामला ये सामने आया है, जहां उसकी बहरहमी से पिटाई की गई है। बता दें कि दबंगों पर अवैध हथियारों से कई राउंड फायरिंग का भी आरोप लगा है। तो वहीं फायरिंग और मारपीट करने के बाद दबंग जो है कार पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। माना जा रहा है कि शराब की ओवर रेटिंग को लेकर हाल ही में ठेके पर पहले भी विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तो वहीं इस विवाद के बाद जो है पुलिस अब घटना स्थल पर पहुंची और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। देखना होगा कि आखिर सेल्समैन या फिर दबंगो किसकी गलती है और इसमें पुलिस कौन सा अब बड़ा कदम उठाती है। मैं यहाँ ठेके में सेलमैन ही करता हूँ। अच्छा, ये घटना कब की है? आज दोपहर, आज सुबह 12:30 बजे घटना है। अच्छा, कितने लोग आए थे? वो 4 लोग थे, 2 गाड़ी में थे, 2 बाहर थे। अच्छा, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। अच्छा, तो क्या गाड़ी का नंबर बताए? तो गाड़ी को नंबर है 16 AS 96-02। 96-02। फिर क्या हुआ यहाँ पे? क्या वो यहाँ लूटपाट करने के आए थे उद्देश्य से? लूटपाट करने के उद्देश्य से आए दादागिरी में। यहाँ उन्होंने मतलब पौवे मांगे और उनके लिए शराब नहीं दी गई, इस वजह से उन्होंने यहाँ झगड़ा विवाद करा। अच्छा, हाँ। क्या उन्होंने हवा में फायरिंग की थी? यहाँ हवा में फायरिंग की और जो है बीच बचाव के लिए मेरे मौके पर जो और लोग थे वो लोग आए तो उनकी तरफ उन्होंने पिस्टल तानी। अच्छा, हाँ, वो लोग पीछे हट गए। आपने तहरीर दी? नहीं, तहरीर दे दी है थाने में मैंने और मेरी डॉक्टरी भी हो गई है। कितने लोगों के खिलाफ दी है? 4 लोग ही हैं। अच्छा, ये आपके क्या लगा यहाँ पे? ये पिस्टल से उन्होंने पीछे से वार किया है, 2 पिस्टल की इसमें बट लगी है। लूटपाट कोई नहीं हुई है? और ये नहीं, लूटपाट नहीं है और ये है बाजू में लगी। सुना के 46,000 रुपए की लूट हुई है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।